हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अब मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 11 चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। इससे पहले मैंने क्या किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशंस के बारे में मैंने बता दिया है। अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शन के लिए एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे आज। आज की क्लास इंट्रोडक्शन की बच्चों, ठीक है? अब देखो ध्यान से, इससे पहले मैंने रिलेशन के बारे में आपको डिस्कस कर रखा है। रिलेशन क्या होता है, जितने भी हमारे पास जो भी सेट दिए होते थे, ए बी दो सेट दिए होते थे, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम निकालते थे तो वो क्या कहलाता था, रिलेशंस। जैसे कि सपोज करो, जैसे मैंने सेट ए ले लिया और सेट बी ले लिया, जैसे कि 1 2 ए बी, ए क्रॉस बी यहां निकाला 1 a 1 b 2 a 2 b, ये निकाल लिया कार्टेशियन प्रोडक्ट। और जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलता था, ए क्रॉस ए का निकालो या चाहे ए क्रॉस ए या ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए बी क्रॉस बी, जो सेट बोलता था, वहां कंडीशन बोलता था ए क्रॉस बी के लिए, ए क्रॉस बी के लिए, ए क्रॉस ए के लिए, बी क्रॉस बी के लिए, तो जो भी हमारे पास निकलता था कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो हमारे पास क्या आता था, वो रिलेशन ही होता था। बट रिलेशन के लिए वहां पे कंडीशन दे देता था यहाँ पे, कि सारे के सारे जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकला है उनमें से कुछ ऑर्डर पेयर को हमें लेना है, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें लेना है। लेकिन रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी का जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है उसी को हम रिलेशन कहते हैं। बट रिलेशन में कुछ कंडीशन दे देते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, सारे ऑर्डर पेयर को ना लेकर के कुछ ऑर्डर पेयर को सिलेक्ट किया जाता है। क्लियर? अब आता बच्चों हमारे पास क्या, फंक्शंस के लिए। अब अगला टॉपिक क्या बच्चों हमारे पास है, फंक्शंस। अब हम कंडीशन क्या टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, फंक्शंस। अब जाहिर सी बात है, फंक्शन वर्ड से ही पता चल रहा है फंक्शन कब होता है, कोई स्पेशल चीज होता है, कोई ओकेजन होता है, कोई फेस्टिवल होता है, इस अवसर पे तो कोई ज्यादा खुशी का माहौल हो, मतलब कि तो इस अवसर पे क्या करते हैं हमारे पास है, फंक्शन किया जाता है। बट हम मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स के लैंग्वेज हम क्या कह सकते हैं इसको, कि स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शंस। स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। जो स्पेशल टाइप्स के जो रिलेशन होते हैं उसको बोलते हैं हम क्या, फंक्शन। स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। क्लियर बच्चों? जो स्पेशल टाइप्स के रिलेशन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शंस कहते हैं। अब अदर वर्ड से, दूसरे शब्द में हम क्या कह सकते हैं फंक्शन का डेफिनेशन लेने के लिए, जैसे वहां रिलेशन के लिए हम आर से डिनोट करते थे, ठीक है? अब यहां मान लेता हूं कोई रिलेशन एफ दे रखा है, ठीक है? मान लेता हूं कि कोई रिलेशन हमारे पास एफ है, फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी, ए रिलेशन एफ, एक रिलेशन एफ दे रखा है, फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी फंक्शन, उसको हम फंक्शन कह सकते हैं इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी इज कॉल्ड फंक्शंस। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हो बच्चों, जैसे कि मैं लिखता हूं डेफिनेशन बच्चों, ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी इज
सेट टू बी इज सेट टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी इज कॉल्ड फंक्शंस. क्लियर? ये तो फर्स्ट हो गया हमारे पास है, ये सेकंड डेफिनेशन हो गया. फर्स्ट बोले कि स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन. दूसरे शब्द में बोल सकते हैं एक रिलेशन एफ दे रखा हमारे पास है फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी, इज सेट टू बी रिलेशन सॉरी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी. इसको मैं एरो डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको समझाता हूं. एरो डायग्राम ठीक बच्चों, जैसे देखो ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट. अब देखो इसको इसके साथ ठीक है. अब देखो मैंने यहां लिखा है, देखो ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, देखो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, जैसे एवरी एलिमेंट वन टू थ्री फोर सेट ए के हैज वन एंड ओनली वन, एक और केवल एक ही इमेज होना चाहिए सेट बी में. देखो एक का पांच के साथ रिलेशन मान लो ठीक है, एक का पांच इमेज बन रहा है, दो का छह, तीन का सात और चार का आठ. बट इसको आप इस तरीके से लिखते थे ऑर्डर पेयर में, वन का फाइव टू सिक्स थ्री सेवन फोर एट. क्लियर बच्चों? अब देखो ध्यान से, सेट ए में जितने भी एलिमेंट है इनको कहा जाता है प्री इमेज और सेट बी में जितने भी एलिमेंट इसको कहा जाता है इमेज. क्लियर? यहां तक आएगा समझ बच्चों? ठीक है, प्री इमेज सेट ए के जितने, कहने का मतलब जो ये इस तरीके से लिखते थे ना वहां पे एक्स वाई लिखते थे ऑर्डर पेयर के. अब मैं यहां पे क्या कर देता हूं, ए और बी ले लेता हूं. तो यहां पे ए क्या हमारे पास है, प्री इमेज है ऑफ बी के अंडर एफ जो फंक्शन दिया होगा उसका ठीक है. और यहां बी इज इमेज ऑफ ए अंडर एफ जो फंक्शन दिया हुआ, तो ए हमारे पास यहां पे प्री इमेज कहलाता है और बी हमारे पास क्या कहलाता है, इमेज. तो यहां पे ए क्या हो गया हमारे पास है, प्री इमेज और बी हमारे पास क्या कहलाता है, इमेज. क्लियर? ठीक है, ये तो मैं बता रहा हूं आपको फंक्शंस के लिए. अब देखो यहां लिखा ना, अब देखो इसका दूसरा डायग्राम मैं इस तरीके से भी बना सकता हूं. जैसे कि ये डायग्राम हमारे पास है, सपोज कर लो, चलो मैं यहां ना बना करके यहां बना लेते हैं. देखो बच्चों ठीक है, ए बी वन टू थ्री फोर फाइव, या फिर इस तरीके से कर लो ओनली, जैसे मान लिया मैंने यहां पे थ्री लिया ठीक है. अब देखो एक का तीन इमेज बन रहा है, दो का भी तीन, तो इधर वाले का केवल एक ही एलिमेंट का इमेज बन रहा ना, जैसे वन का थ्री हो गया एक इमेज बन गया वन का, टू का भी थ्री है टू का भी एक ही इमेज है. तो इस तरीके का फंक्शन भी क्या कहलाएगा हमारे पास, वो प्री इमेज सॉरी क्या फंक्शन.
बट कभी भी जब इस तरीके से होगा हमारे पास, जैसे ये ले लिया, जैसे 1 2 3 4 5 जैसे मैंने ये ले लिया और इस तरीके से, ठीक है, यहाँ ले लिया 6, ये ले लिया, यहाँ ले लिया 4 2 7 ले लिया। तो जब कभी भी देखो इधर वाले का एलिमेंट के देखो 1 के 4 और 5, कहने का मतलब ऑर्डर पेयर में कन्वर्ट करूंगा तो 1 4 और 1 5। देखो एक का दो इमेज बन रहा है, एक के चार के साथ में इमेज बन रहा है, एक के पांच के साथ में बन रहा है। तो इस तरीके का फंक्शन, इस तरीके की कोई भी हो डायग्राम होगा वो फंक्शन नोड फंक्शन, कहने का मतलब वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्या होना चाहिए, सेट ए का जितने भी एलिमेंट होंगे उसका एक ही इमेज बनना चाहिए सेट बी में, तो वो कहलाएंगे हमारे पास क्या, फंक्शंस। क्लियर, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है, जैसे मैं इसको इरेज कर दूं, ठीक है, जब तक मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक बच्चों, अब देखो अब आता है हमारे पास है फंक्शन का अभी भी, ठीक है। अब हम क्या करें, अब दूसरे शब्दों में इस तरीके से बोलूं मैं कि एफ हमारे पास फंक्शन है, ठीक बच्चों, कि एफ हमारे पास क्या है, एफ इज ए फंक्शन, एफ हमारे पास क्या है, एफ इज ए फंक्शन, एफ हमारे पास फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी के लिए, ठीक है। तब यहां से ए बी ऑर्डर पेयर बिलोंग करेगा एफ में, फंक्शन में, ठीक है। जब ये इसमें बिलोंग करेगा तो यहां से एफ ए इज इक्वल टू बी, कहने का मतलब है यहां फंक्शन हम ये लेते थे एफ एक्स, ठीक है, तो यहां पे वाई जैसे मान लो, ठीक है, अगर x के वैल्यू पुट करते थे तो y की वैल्यू मिल जाता, जो भी यहाँ पे x होगा वैल्यू वो यहाँ पे y की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है a b कोई ऑर्डर पेयर है, अगर बिलोंग करता है इसमें से तो f a b, कहने का मतलब है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, a पुट किया तभी तो हमारे पास b मिला वैल्यू, a पुट किया तो वैल्यू क्या मिला हमारे पास है b। अब यहां से f a इज इक्वल टू b इसको मैंने इस तरह से लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे a और b को हम क्या कह सकते हैं, तो यहां आएगा a, a को हम क्या कह सकते हैं बच्चों, प्री इमेज, अभी बताया था प्री इमेज ऑफ b का अंडर f फंक्शन के लिए, और यहां b कहलाएगा हमारे पास है इमेज, लिखना b इज इमेज ऑफ ए स्मॉल ए अंडर एफ, ठीक बच्चों। तो ए हमारे पास प्री इमेज होता है और बी हमारे पास क्या होता है, इमेज होता है। इस प्रकार से द फंक्शन, द फंक्शन ए टू बी इज डिनोटेड द फंक्शन एफ, ठीक है, द फंक्शन एफ ए टू बी इज डिनोटेड बाय एफ मैपिंग ए टू बी, ये हम फंक्शन को डिनोट करने का सिंबल होता है, एफ हो गया फंक्शन, इसको मैपिंग बोलते हैं, सच डेट ने यहां फंक्शन की कंडीशन में ये मैपिंग कहलाता है, मैपिंग, ठीक है। तो एफ मैपिंग ए टू बी, कहने का मतलब ए वैल्यू रखोगे तो बी, ए के वैल्यू कुछ भी रखोगे तो बी हमारे पास वैल्यू मिलेगा, यानी कि ए पुट किया तो बी वैल्यू मिला हमारे पास कंडीशन के बोले, ठीक है। तो इस एरो के, ये जो एरो हमारे पास है क्या डिनोट करना चाहता है, जैसे ए टू बी क्या डिनोट करना चाहता है, ये डिनोट करना चाहता है ए के जितने भी एलिमेंट होंगे वो डोमेन होंगे, क्या होगा बच्चों, डोमेन ऑफ आर के लिए, रियल वैल्यू के लिए, रियल नंबर्स के लिए, और यहां बी हमारे पास क्या हो जाएगा, रेंज, रेंज ऑफ आर के लिए, रियल नंबर्स के लिए, क्लियर। तो यहां ए टू बी ये एरो हमारे पास डिनोट करना चाहता है, एरो से पहले जो हमारे पास ए है ये डिनोट करेगा डोमेन ऑफ आर के लिए और ये करेगा रेंज ऑफ आर के लिए, क्योंकि ए के वैल्यू कुछ भी पुट करोगे आंसर क्या आएगा, बी के फॉर्म में, यानी बी के जगह पे आएगा, तो जो वैल्यू पुट करते हैं वो क्या होता है, डोमेन,
और जो रिजल्ट शो करता है, जो आंसर आता है, वो होता है हमारे पास क्या, रेंज। क्लियर, उम्मीद करते हैं यहां तक आ गया समझ में। अब हम पढ़ते हैं कुछ फंक्शंस के लिए, कुछ फंक्शंस है, फंक्शंस के टाइप्स है, ठीक है। अब हम पहला टाइप्स पढ़ते हैं फंक्शन का, इरेज कर दो इसको, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया वो ये, ठीक है बच्चों। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है बच्चों। अब हम यहां पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में। अब देखो ध्यान से बच्चों, यहां पे सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ, अब देखो सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ, हम क्या करें कुछ फंक्शंस दिए हैं और उनके ग्राफ के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। अब आता है सबसे पहला आता है आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, अब देखो आइडेंटिटी फंक्शंस क्या होता है, ठीक है। हमने कोई मान लिया आर कोई रियल नंबर है, मैंने कोई ले लिया यहां पे आर, क्या आर रियल नंबर है, क्या बच्चों रियल नंबर मान लिया आर कोई रियल नंबर है, ठीक है आर कोई रियल नंबर है। डिफाइन रियल वैल्यू फंक्शन, अब देखो आर कोई रियल नंबर है और आर के लिए डिनोट करो फंक्शन के लिए, तो एफ सच डेट आर टू आर, यानी का मतलब डोमेन ऑफ आर रेंज ऑफ आर, यानी का मतलब डोमेन ऑफ आर रेंज ऑफ आर, क्लियर, ठीक है। अब देखो आइडेंटिटी फंक्शन, ये एक ऐसा फंक्शन होता है, ये एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें कोई वैल्यू पुट करते हैं आर की, जो भी वैल्यू पुट करते हैं, कहने का मतलब है आर की कोई भी हम डोमेन में कोई वैल्यू लेते हैं रेंज में, सेम वही वैल्यू आती है। सपोज करो जैसे मैंने ये फंक्शन ले लिया वाई इजिकल टू में एफ एक्स इजिकल टू में एक्स, इस तरह के कोई भी फंक्शन ले लिया, ठीक है। तो कहने का मतलब है जैसे मैंने ये लिया एफ एक्स इजिकल टू एक्स, फिलहाल मैंने इसको हटा दिया, ठीक है ये लिया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, यहां एक्स की जो भी वैल्यू पुट करोगे सेम वैल्यू यहां पे आएगा आंसर, कहने का मतलब वाई की वही वैल्यू आएगी जो तुम एक्स की पुट करते हो, एक्स की जो भी वैल्यू पुट करोगे वाई का वही वैल्यू आएगा, ठीक है। तो उस तरीके का फंक्शन क्या कहलाता है हमारे पास है, आइडेंटिटी फंक्शन। कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, जो रखो एक्स की, कहने का मतलब जो डोमेन होगा ऑफ आर का वही रेंज होगा ऑफ आर फंक्शन के लिए, क्लियर। तो कहने का मतलब देखो जैसे मैं यहां पे x के वैल्यू यहां पे 2 लेता हूं तो यहां भी क्या आएगा 2 ही आएगा। तो सपोज करो जैसे मैंने यहां लिया y इजिकल टू एफ 2 तो यहां 2 तो y इजिकल टू भी क्या मिलेगा 2 ही मिलेगा, ऐसी बात है। अगर मैंने यहां पे ये x के लिए रखा ना, यहां भी x ही है तो यहां जो वैल्यू रखूंगा वही वैल्यू यहां पे आएगा। अगर मैं यहां पे 3 लेता तो यहां भी क्या आता 3 आता, अगर मैं यहां पे 4 लेता तो यहां भी क्या आता तो 4 आता। तो कहने का मतलब है बच्चों जो वैल्यू यहां रखूंगा वही वैल्यू यहां पे आएगा। तो इस तरीके के कोई भी फंक्शन क्या कहलाएगा, वो आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएगा। अब इसको हम ग्राफ के थ्रू कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ग्राफ के थ्रू समझा सकते हैं ग्राफ। अब ध्यान रखना आइडेंटिटी फंक्शन का जो ग्राफ होता है, आइडेंटिटी फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, क्या होता है बच्चों स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन तो होता है बट ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन कहां से जाता है, ओरिजिन से इंटरसेक्ट करके जाता है।
चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव के लिए। कहने का मतलब है जैसे ये देखो सिंपल से पहले मैं बता देता हूँ, जैसे ग्राफ के लिए बनाते हो टेबल, जैसे ये वाई एक्सिस लेते हो, ये एक्स एक्सिस सॉरी वाई, ये एक्स और ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ठीक है। अब ये हमारे पास पॉइंट क्या होता था, ओरिजिन पॉइंट, क्लियर। ये हमारे पास क्या होता है, ओरिजिन पॉइंट। अब हमें स्ट्रेट लाइन के ग्राफ खींचना है तो स्ट्रेट लाइन के ग्राफ इस तरह की जाएगा, या तो ये बिल्कुल ओरिजिन से इंटरसेक्ट करके जाएगा क्रॉस करके, या फिर इस तरीके से जाएगा, क्लियर। जब इस तरीके से जाएगा तो हमारे पास पॉजिटिव रियल वैल्यू होगी, क्या बच्चों, पॉजिटिव रियल वैल्यू, रियल नंबर्स, यानी कि रियल नंबर्स, आर के कुछ भी रखोगे पॉजिटिव वैल्यू तो इस तरीके जाएगा, और हमारे पास क्या नेगेटिव रियल नंबर्स रखोगे तो इस तरीके से जाएगा, यानी कि आर की जगह पे कोई फंक्शन दिया गया वैल्यू तो ये पॉजिटिव के लिए जाएगा और नेगेटिव के लिए जाएगा, जाएगा हमारे पास क्या स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधी जाएगा और ओरिजिन से क्रॉस करके ही जाएगा। सपोज करो जैसे हम बताते हैं ध्यान से, फंक्शन ये हमारे पास है एफ एक्स इक्वल टू एक्स मैंने लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सपोज करो जैसे यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये एफ के वाई के इक्वल के बच्चों, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक टेबल बना लेता हूँ सपोज करो समथिंग, ठीक है, ठीक बच्चों देखो जी, इसको मैं क्या लेता हूँ एक्स, ठीक है, इसको मैं ले लेता हूँ वाई, ये हो जाएगा हमारे पास क्या एफ एक्स इक्वल टू एक्स भी ले सकते हो। अगर देखो हम ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ एक्स की जगह वन लेता हूँ तो यहाँ क्या मिलेगा वैल्यू, जाहिर सी बात वाई इक्वल टू भी वन मिलेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ टू लेता हूँ तो इसकी वैल्यू भी टू ही मिलेगा, अगर मैं यहाँ थ्री लेता हूँ तो इसकी वैल्यू भी क्या मिलेगा थ्री मिलेगा, अगर मैं यहाँ पे जीरो लेता हूँ इसकी वैल्यू भी जीरो मिलेगा, अगर मैं माइनस वन लेता हूँ इसकी वैल्यू माइनस वन मिलेगा, अगर मैं माइनस टू लेता हूँ इसकी वैल्यू माइनस का टू, अगर माइनस थ्री लेता हूँ तो माइनस के थ्री, इस तरह जितने वैल्यू ले लो मर्जी है तुम्हारी, ठीक है। वन टू थ्री फोर कुछ भी ले लो, कुछ पॉजिटिव ले लो कुछ नेगेटिव ले लो, या फिर केवल पॉजिटिव लेके कर दो तो पॉजिटिव लेके करोगे तो यहाँ से यहाँ तक ऊपर जाएगा, और नेगेटिव पॉजिटिव लेगो तो पूरा इस तरह से क्रॉस कर जाएगा। अब देखो जैसे टेबल बनाए मैंने, ठीक है, अब इस टेबल का ग्राफ अगर मैं यहाँ ड्रॉ करना चाहूँ बच्चों, देखना ध्यान से, ध्यान से देखना बच्चों, देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव, 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 इधर नेगेटिव में बच्चों, ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव, ये तो आपको आता है, ठीक है। अब देखो सपोज करो वन वन यानी कि एक्स के वैल्यू में वन लेता हूँ और वाई की वन, तो देखो एक्स में वन और वाई में वन, ये पॉइंट समथिंग यहाँ कर जाएगा। अब ये पॉइंट क्या शो कर रहा है, ये उस एफ एक्स के लिए शो कर रहा है कि एक्स के वैल्यू जो रखा वही वाई की वैल्यू आएगी, तो एक्स के वैल्यू वन पर वाई के वैल्यू वन मिला, ठीक है। अगर एक्स के वैल्यू टू पे तो वाई के वैल्यू भी क्या हमारे पास है टू पे ही, मतलब टू और टू के उसमें, ठीक है। और थ्री थ्री पे लिया तो सेम ही वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे। अब जीरो जीरो लिया तो ये पॉइंट यहाँ मिल गया, माइनस वन वन पॉइंट यहाँ समथिंग यहाँ मिल जाएगा, टू टू के लिए ये और ये पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, थ्री थ्री के लिए ये और ये पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, तो इस तरीके से मिल रहा है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पूरा पूरा क्या स्ट्रीट लाइन इस तरीके से चला जाएगा हमारे पास ऐसे, क्लियर। अब देखो इस लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट, कुछ भी पॉइंट ले लो, अगर एक्स के जो पॉइंट लोगे वही वाई की मिलेगी। पॉइंट देखो यहाँ पॉइंट पॉइंट बहुत सारे पॉइंट मिलकर के क्या बन जाएगा हमारे पास है? एक स्ट्रेट लाइन शो करेगा, इन सारे पॉइंटों को मिलाओगे तो क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन ही जाएगा जो ओरिजिन से क्रॉस करके जाएगा। तो इस तरीके का फंक्शन क्या कहलाता है हमारे पास है आइडेंटिटी फंक्शन, जिसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन कहता है ओरिजिन से क्रॉस करके, क्लियर। आइडेंटिटी फंक्शन के लिए क्या होता है हमारे पास, ये y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स, इस तरीके का फंक्शन कोई भी हो हमारे पास क्या वो आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएगा, क्लियर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा बच्चों। अब आता नेक्स्ट आता कांस्टेंट फंक्शन, इसको रेज कर दूं,
नेक्स्ट आता बच्चों कॉन्स्टेंट फंक्शन। अब देखो कॉन्स्टेंट फंक्शंस के बारे में आप पढ़ते आ रहे हो, लगभग ग्राफ सेवन एट क्लास से स्टार्ट हो जाता ग्राफ बनाना, ठीक है। अब वहां से आप लोग को ग्राफ में किया होगा x इक्वल टू टू के लिए, y इक्वल टू फोर के लिए, इस तरह की स्ट्रेट लाइन के हमने ग्राफ खींचा है। तो जब कभी भी x और y की कोई भी वैल्यू यहाँ दिया हो, कोई भी रियल नंबर्स में दिया हो कोई भी वैल्यू, ठीक है, तो वो उस तरीके का ग्राफ क्या कहलाएगा, कॉन्स्टेंट फंक्शन के लिए। अब देखो ध्यान से, जैसे कॉन्स्टेंट फंक्शन हो गया हमारे पास क्या, एफ एक्स इजिकल टू में ए, इस तरह कोई भी ग्राफ क्या कहलाएगा हमारे पास बच्चों, कॉन्स्टेंट फंक्शन। ए ले लो, सी ले लो, यहां पे सी यहां लिख लेना वेयर सी इज कॉन्स्टेंट, क्लियर, सी इज कॉन्स्टेंट, ठीक है, और एक्स बिलोंग्स टू आर, और एक्स बिलोंग्स टू आर, क्लियर, ठीक है बच्चों। एफ एक्स हमारे पास क्या, सी लिया, सी हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट है, और एक्स बिलोंग्स टू आर, कहने का मतलब है एक्स के कुछ भी वैल्यू रखो ये फिक्स रहेगा, ये कॉन्स्टेंट, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके का फंक्शन क्या कहलाएगा हमारे पास, वो कॉन्स्टेंट फंक्शन लिखा है, यहां लिखा है द फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर बाय वाई इजिकल टू, यहाँ वाई भी है, वाई इजिकल टू एफ एक्स इजिकल टू सी। तो इस तरीके का फंक्शन क्या कहलाएगा हमारे पास, वो कॉन्स्टेंट फंक्शन। जैसे सपोज करो कॉन्स्टेंट फंक्शन का ग्राफ हमारे पास किस तरीके से जाएगा, जैसे मैंने ले लिया मैं y इक्वल टू c या y इक्वल टू टू, y इक्वल टू माइनस थ्री, x इक्वल टू फोर और x इक्वल टू माइनस के टू, जैसे भी है, मैंने ये कोई वैल्यू लिया अपनी तरफ से, ठीक है। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहूंगा बच्चों, सपोज करो ये y है, ये y डैश है, x है, x डैश है, अगर मैं इसके लिए खींचना चाहूँ y इक्वल टू टू, जैसे वन टू थ्री फोर, 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 इस तरह जैसे लिया। अब देखो y इक्वल टू, जब y इक्वल टू देखो ये पॉइंट ये, तो ये y इक्वल टू कैसे जाएगा, इस तरीके से जाएगा, इसको टू से क्रॉस करते हुए और पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जब हमारे पास फंक्शन दिया होगा y का, चाहे वो पॉजिटिव में दे रखा चाहे नेगेटिव में, इस तरह चला जाता है ऐसे, चाहे वो कॉन्स्टेंट वैल्यू पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, y इक्वल टू, तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही जाएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस के। इसी प्रकार से अगर हमारे पास x की वैल्यू दिया होता, जैसे 4 दे दिया प्लस में और माइनस में, प्लस में 4 दिया होता ये ऐसे जाता, यानी कि x इक्वल टू 4 के लिए, ये y इक्वल टू 2 के लिए था, ठीक है, और ये नेगेटिव के लिए था, ये ऐसे जाता। तो जब x इक्वल टू पॉजिटिव चाहे नेगेटिव कोई वैल्यू दिया होता तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा पैरेलल टू y एक्सिस, अगर y इक्वल टू इधर का तो पैरेलल टू x एक्सिस, और x इधर का तो पैरेलल टू y एक्सिस। इस तरीके का फंक्शन क्या कहलाएगा हमारे पास, इस तरीके का फंक्शन, वो कॉन्स्टेंट फंक्शन, और ये उसका ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। क्लियर, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास थर्ड पॉलीनोमियल फंक्शंस। अब पॉलीनोमियल से ही पता चल रहा है कि बहुपद, पॉलीनोमियल्स को क्या कहते हैं, बहुपद। पॉलीनोमियल फंक्शंस के बारे में 10th क्लास में भी आपने पढ़ा है, पॉलीनोमियल फंक्शन है, पॉलीनोमियल्स क्या होता है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लीनियर, सब चीज पढ़ रखा है। तो बट देखो ध्यान से, ए फंक्शन एफ मैपिंग आर टू आर, मैं कहने का मतलब एक फंक्शन दे रखा है हमारे पास, उसको पॉलीनोमियल फंक्शन कब कह सकते हैं, अगर वो कंडीशन हमारे पास है इस तरीके से होगा, वाई इजिकल टू में एफ एक्स इजिकल टू में ए एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस डेड एड, चाहे कोई कॉन्स्टेंट टर्म डी ई भी कुछ भी ले लिया, इस तरह कोई भी वे फंक्शन लिया हमारे पास क्या कहलाएगा, वो पॉलीनोमियल फंक्शंस कहलाएगा। और इसमें ए बी सी डी ए नोट बी ए नोट ए वन ए टू, ये जितने भी वैल्यू होंगे ये सभी के सभी क्या पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए इस फंक्शंस के लिए बच्चों, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये क्या होना चाहिए हमारे पास है,
ए जीरो ए वन और ए टू डेट इज क्या पॉजिटिव रियल नंबर्स होना चाहिए, नो नेगेटिव रियल नंबर्स। क्लियर बच्चों? ठीक है, अब ये हमारे पास बिलोंग किस में करना चाहिए, सभी के सभी है ये ए नोट ए वन ए टू डेट इज किस में आर में बिलोंग करना चाहिए। अब जैसे देखो इसको हम समझाते हैं, सबसे पहले जैसे मान लो तो इसमें अगर कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन दे दिया, नहीं क्वाड्रेटिक फंक्शन का मतलब है एक्स स्क्वायर, क्यूबिक फंक्शन के लिए एक्स के क्यूब, रेशनल फंक्शन के लिए, तो इन चीजों के लिए क्या इसके अंडर आते हैं। अब इसमें हमें क्या करते हैं ग्राफ कैसे ड्रॉ करो, जैसे एग्जाम्पल हमारे पास है कि एफ एक्स दे रखा है हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर, ये कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इजिकल टू में एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन दे रखा है हमारे पास। ठीक है, अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास क्या पॉलीनोमियल फंक्शन है बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में। ठीक है बच्चों, अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले क्या करना है इसको ग्राफ को ड्रॉ करने से पहले हमें क्या करना है एक टेबल बनाना है। जैसे देखो ध्यान से टेबल में बनाता हूँ, सपोज करो जैसे यहाँ पे ले लिया, एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर, ये देखो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पे एक्स की कुछ भी वैल्यू लो, सपोज करो स्टार्ट जैसे यहां ले लेता हूं, जैसे मैं जीरो ले लेता हूं, ठीक है इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगा, ठीक है वाई की वैल्यू जीरो आ जाएगा। अगर मैं यहां पे वन लेता हूं, ठीक है तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगा वन ही मिलेगा। अगर मैं इसकी वैल्यू टू लेता हूं, इसकी वैल्यू क्या मिलेगा टू का स्क्वायर फोर। अगर मैं थ्री लेता हूँ थ्री का स्क्वायर नाइन, क्लियर। अगर माइनस वन लेता हूँ तो यहाँ जाएगा प्लस के वन, क्लियर, क्योंकि माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, अगर माइनस का टू लेता हूँ तो भी इसके क्या जाएगा प्लस के फोर, अगर माइनस के थ्री लेता हूँ तो भी यहाँ पे क्या जाएगा प्लस के नाइन, क्लियर। ठीक है, इस तरीके से कोई मैंने वैल्यू पुट किया। अब मैं इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करना चाहूँ बच्चों, ठीक है जैसे मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ पॉलीनोमियल फंक्शन में क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के लिए, जैसे कि ये है बच्चों, अब टेबल में तो हाईएस्ट वैल्यू नाइन तक है, तो मैं टू टू का टेबल ले लूंगा, जैसे कि टू फोर सिक्स एट टेन, 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 माइनस 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 माइनस, ठीक है टू फोर सिक्स एट टेन माइनस माइनस माइनस। ठीक हो चुकी जीरो, ये एक्स डैश, ये वाई, वाई डैश और ये एक्स। ठीक बच्चों, अब देखो जैसे ध्यान से, सबसे पहले देखो जीरो जीरो ले लिया, जीरो जीरो पॉइंट हमारे पास क्या है बच्चों यहाँ पर आ जाए, ये पॉइंट यहाँ मिल गया जीरो जीरो का। ठीक है, वन और वन, देखो वन वन समथिंग, ये पॉइंट देखो इसका हाफ और इसका हाफ समथिंग, यहाँ मान लेता हूँ पॉइंट ये पॉइंट यहाँ आ गया वन वन का। ठीक है, ये आ गया वन वन का, वन वन का। अब आ जाए टू फोर, एक्स में टू और वाई में फोर समथिंग, ये पॉइंट इस तरीके चला जाएगा। ठीक है, टू फोर और क्या है थ्री नाइन, तो देखो इसके हाफ बीच में थ्री और यहाँ इस टेन और इसके बीच में नाइन समथिंग, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, थ्री और नाइन के लिए, क्लियर बच्चों। ठीक है, अब आ जाओ नेगेटिव के लिए, से देखो जीरो जाएगा माइनस वन, तो इसके बीच में आएगा माइनस वन और क्या जाएगा वन पॉजिटिव समथिंग, ये पॉइंट यहाँ तो जाएगा ऐसे यहाँ पर लेंगे। ठीक है, माइनस वन वन, टू माइनस टू फोर, अब देखो माइनस टू ये रहा और फोर हमारे पास क्या ये रहा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा माइनस का टू और फोर। ठीक है, अब क्या हमारे पास है माइनस थ्री और नाइन, तो देखो इसके बीच में आ जाएगा माइनस थ्री समथिंग और नाइन, ये पॉइंट यहाँ उतर जाएगा इसके बीच में इस तरीके से माइनस थ्री और नाइन। अब जब इन पॉइंटों का मीट करोगे इस तरीके से तो ये एक ऐसा शेप बनेगा इस तरीके से, ये इस तरीके जाएगा, कहने का मतलब ये शेप कैसे जाएगा, ये ओरिजिन से टच होकर के इस तरीके का शेप बनेगा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फंक्शन के लिए। क्लियर बच्चों, अगर यही फंक्शन हमारे पास क्या एक्स की क्यूब में दिया होता क्यूबिक में, तो क्यूबिक फंक्शन के लिए अगर देखो ध्यान से बच्चों, अगर यही चीज हमारे पास क्या एफ एक्स इक्वल टू में एक्स की क्यूब दिया हुआ, तो जब इसके लिए ग्राफ खींचोगे तो मैं डायरेक्ट बता देता हूं बच्चों, ठीक है इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से ऐसे आकर के
यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक है। ये कुछ इस तरह से ग्राफ जाएगा, यहाँ से ऐसा आया फिर ऐसे यहाँ से मिल के फिर यहाँ से ऐसे फिर ऐसे चला जाता है, ठीक है। ये इस तरीके से, तो इस तरीके से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए पॉलीनोमियल के लिए और एक क्यूबिक पॉलीनोमियल के लिए ग्राफ इस तरह से जाएगा। क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अभी हम, फोर्थ आता है बच्चों आपके पास रेशनल फंक्शंस। रेशनल फंक्शंस क्या होता है, तो एक कोई भी फंक्शन हो गया जो हमारे पास टाइप्स को होगा एफ एक्स अपॉन में जी एक्स के टाइप का कोई भी फंक्शन होगा उस तरीके का फंक्शन क्या कहलाएगा, वो रेशनल फंक्शन। यहां पे हमारे पास क्या है एफ एक्स एंड जी एक्स क्या होगा, पॉलीनोमियल फंक्शन होना चाहिए, पॉलीनोमियल फंक्शन होना चाहिए। और एक्स जो देखो ये भी एक्स और ये भी एक्स है, एक्स हमारे पास क्या होना चाहिए डोमेन, एक्स यहाँ पे क्या डिनोट करेगा डोमेन का, क्योंकि कोई भी वैल्यू पुट करोगे एक्स की जगह वैल्यू पुट करते तो वाई के मिलते, तो पुट करने वाली वैल्यू क्या होती है डोमेन होती है। और यहाँ पे क्या जाएगा जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड रेशनल फंक्शन। इस तरह कोई फंक्शन क्या कहलाएगा, वो रेशनल फंक्शन कहलाएगा। सपोज करो जैसे कि मैंने कोई एग्जाम्पल ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन में एक्स ये ले लिया, ठीक है। अब हमें हमारे पास क्या है, हमारे पास है वन बाई एक्स रेशनल फंक्शन है। अब इस रेशनल फंक्शन का अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो बच्चों इसका ग्राफ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से होकर कि ये ऐसे चला जाएगा और ये इस तरीके से होकर कि ये ऐसे चला जाएगा, चाहिए ऐसे चला जाएगा इस तरीके से होकर के, चाहिए इस तरीके से ऐसे, इस तरीके से ग्राफ जाएगा रेशनल फंक्शन का, ठीक है बच्चों, ठीक है। जो ओरिजिन से टच करके नहीं जाएगा। सपोज करो अगर इसका टेबल बनाना है तो टेबल देकर एग्जांपल नंबर 15 इससे कोड ना बना के चेक कर लेना, ठीक है। तो इस तरह की ग्राफ किया जाएगा हमारे पास वो रेशनल फंक्शंस के लिए। क्लियर, अब आज बच्चों नेक्स्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे देखो मैं एग्जांपल ये लिया था, यहां से ग्राफ बनाता हूं आपको, जैसे एफ एक्स वन बाई एक्स, ठीक है। अगर मैं इसका टेबल बनाना चाहूं बच्चों यहां से, ठीक है बच्चों ये मैंने ले लिया, ठीक है। अब यहां से क्या कर सकते हो बच्चों, यहां से जैसे हमारे पास क्या आ गया एक्स आ गया, ये मैंने वाई ले लिया। अब देखो यहां से कहने का मतलब x के वैल्यू हमारे पास क्या है नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं आना चाहिए। अगर जीरो आ गया तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये नॉट डिफाइंड। और मैंने डेफिनेशन में भी लिखा था यहाँ पे कि जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरो नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ वैल्यू x की वैल्यू माइनस पर टू लेता हूँ तो माइनस वन बाई वन माइनस पर टू, तो जीरो पॉइंट फाइव माइनस में जाएगा जीरो पॉइंट फाइव माइनस में। क्लियर बच्चों, अगर मैं यहां पे वैल्यू माइनस वन पॉइंट फाइव लेता हूं तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों हमारे पास है जीरो पॉइंट समथिंग मान लेता हूं, माइनस जीरो पॉइंट सिक्स सेवन। और यहां वैसे दे रखा है जैसे टेबल में, सब बता देता हूं, ठीक है बच्चों। जैसे ये दे रखा हमारे पास वैल्यू, अब यहां पे माइनस वन लिया तो ये उतर गया मान लिया माइनस के वन ही, ठीक है। यहां पे माइनस के जीरो पॉइंट फाइव लिया तो यहां उतर गया माइनस के टू, जीरो पॉइंट टू फाइव लिया यहां उतर गया फोर, अब यहां उतर के जीरो पॉइंट फाइव लिया जीरो पॉइंट फिफ्टी तो यहां उतर गया बच्चों टू यहां भी, ठीक है प्लस के। और यहां आगे भी कुछ दे रखा है तो यहां ले गया वन लिया तो वन आ गया, वन पॉइंट फाइव लिया तो जीरो पॉइंट सिक्स सेवन समथिंग ये आ गया, मैंने ले लिया वैल्यू मैंने ये चीज, ठीक है बच्चों। अब जब इसका ग्राफ आप ड्रॉ करोगे यहां से इस तरीके से, ऐसे ग्राफ ड्रॉ करोगे तो देखो पॉइंट हमसे बच्चों ऐसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है बच्चों, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, जैसे समथिंग मान लो जैसे कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इस तरीके से, यहाँ भी वन टू थ्री फोर फाइव जो भी है वन टू थ्री फोर फाइव समथिंग बच्चों, वन टू थ्री फोर फाइव समथिंग ये ले लिया मैंने, ठीक है। अब देखो माइनस का टू लिया x में माइनस का टू तो y में जीरो पॉइंट फाइव यानी कि इसका हाफ, यानी कि ये पॉइंट समथिंग यहाँ उतर जाएगा मान लेता हूँ, ये पॉइंट यहाँ उतर गया, ठीक है। वन पॉइंट फाइव लेता हूँ तो वन पॉइंट फाइव समथिंग इसके बीच में, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगा, वो हल्का सा उससे ऊपर यानी कि पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, इसे मान लेता हूँ
यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। ये चलिए इस तरीके से हमारे पास क्या वन वन लेता तो वन और वन समथिंग पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। तो इस तरीके से पॉइंट ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ऐसे ऐसे ये आते रहेंगे पॉइंट। तो इसको इस तरीके से मिलाओगे तो अगर आप इस तरीके चला जाएगा, अगर हम इधर वाले मिलाओगे तो अगर आप इस तरह चला जाएगा, अगर इधर से पॉइंट होगा तो इस तरीके से चला जाएगा, इधर से होगा तो इस तरह चलेगा। इस तरीके से ग्राफ ये बनेगा रेशनल फंक्शन के लिए। क्लियर, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा बच्चों। देखो बच्चों अब आता है आपके पास फिफ्थ मॉडुलस फंक्शंस। अब मॉडुलस फंक्शंस यहां से क्या होता है, कोई भी फंक्शन जैसे एक फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, देखो इसको बोलते हैं मॉडुलस, ये जो मोड के अंदर आते हैं हमारे पास एक्स, ये होता है मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। अब एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स दे रखा, अब इस तरह के कोई भी फंक्शन होगा तब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो सबसे पहले इस मॉडुलस फंक्शन को हमें चेंज करना होता है सिग्नम फंक्शन में। किसमें बच्चों, सिग्नम फंक्शन में चेंज करना होता है। अब इसको कैसे चेंज कर सकते हो, जैसे कि एफ एक्स मैंने ले लिया यहां से बच्चों, ये सिंबल होता है एक तरफ से रहता है पीछे से खुला रहता है, तो कहने का मतलब जब मॉडुलस है तब इस मोड को हटाओगे, ठीक है, ब्रेक करोगे मॉडुलस को तो एक बार एक्स के वैल्यू नेगेटिव और एक बार एक्स के वैल्यू पॉजिटिव, तो मोड हटाया जैसे हम माइनस एक्स ले लिया तो इस कंडीशन में क्या बनेगा, एक्स लेस देन जीरो, ठीक है, इक्वल टू, क्योंकि जीरो इक्वल टू इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जीरो ले लिया, ठीक है, नेगेटिव या पॉजिटिव तो दोनों के लिए हम क्या ओनली जीरो लिखा जाता है, जीरो के आगे नेगेटिव और पॉजिटिव हम नहीं लिखते हैं, ठीक है, ओनली जीरो लिखा जाता है, इसलिए मैं लिख लिया एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। जब माइनस लिया, अगर यहाँ पे एक बार प्लस में लूंगा तो एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो इस तरह मॉडुलस फंक्शन को हम इस तरीके से ब्रेक कर देते हैं, तो ये बन जाता है हमारे पास क्या, एक्स माइनस में एक्स के लिए और एफ एक्स दो फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब जब कभी भी एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, जैसे देखो मैंने ये बताया था आपको, ठीक है, पॉजिटिव आइडेंटिटी फंक्शन है और आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ मैंने फर्स्ट में डिस्कस किया था, अगर इस तरह की कोई भी हमारे पास है तो आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ पॉजिटिव के लिए क्या आता था हमारे पास है, जो ओरिजिन से इस तरीके से क्रॉस करके जाता था ऐसे, ठीक है, किसके लिए हमारे पास ये एफ एक्स इक्वल टू में एक्स के लिए, बट हमारे पास एफ एक्स माइनस एक्स है तो नेगेटिव के लिए हमारे पास ग्राफ कैसे जाएगा, ये इस तरीके से जाएगा ओरिजिन से क्रॉस करके एफ एक्स माइनस के एक्स, ये मैं डिस्कस कर रहा था वैसे इसके लिए सेम बन जाता है। क्लियर, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। तो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हमारे पास है इस तरीके से डिनोट किया जाता है, ठीक है, जो ओरिजिन से ही क्रॉस करके जाएगा, पॉजिटिव होगा तो इधर की तरफ से जाएगा और नेगेटिव होगा तो ऐसे जाएगा, ठीक है बच्चों। और मॉडुलस फंक्शन को क्या करते हैं, एक माइनस और प्लस में उसको ब्रेक कर देते हैं, माइनस में लेते हैं तो ग्रेटर लेस देन और पॉजिटिव में लेते हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के अकॉर्डिंग हम शो करते हैं। ये फंक्शन क्या कहलाता है हमारे पास है, मॉडुलस फंक्शन, जिसका ग्राफ क्या होता है हमारे पास है इस तरीके से जाता है। क्लियर, अब आता है बच्चों आपके पास सिग्नम फंक्शन, जो मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है, जो इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 12th क्लास में जितने भी सब है मोस्टली इसी बेस पे ये सिग्नम फंक्शन के ऊपर ही सब है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है बच्चों। अब सिग्नम फंक्शन होता क्या है, देखो ध्यान से, द फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर डिफाइंड बाय इस तरीके से एफ एक्स वन इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, फिर जीरो एक्स इक्वल टू जीरो पे, फिर माइनस वन एक्स लेस देन जीरो पे, इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन। अब कहने का मतलब यहाँ डोमेन आर और रेंज, ये कहने का मतलब है ये फंक्शन इस तरीके का होगा, स्टार्टिंग में क्या होगा एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स अपॉन में एक्स, इस तरीके से मॉडुलस फंक्शन, ऊपर और नीचे एक्स का फंक्शन, जो यहाँ मोड में होगा वही नीचे होगा, ठीक है। तो इस तरीके की कोई भी फंक्शन है, मैंने अभी बताया था इस मॉडुलस फंक्शन को अभी डिस्कस किया कि जब ये इस मोड को हटाते हैं तो एक बार जीरो लिया जाता है और एक बार एक बार माइनस लिया जाता है और एक बार प्लस में लिया जाता है। तो अगर मैं इसको ये करता यहाँ पे एफ एक्स माइनस के एक्स लेता और एफ एक्स प्लस के एक्स, तो यहाँ तो आता है एक्स लेस देन जीरो की कंडीशन पे और यहाँ आता है एक्स ग्रेटर देन जीरो की कंडीशन पे। तो देखो ध्यान से, इसी फंक्शन को अगर मैं इस तरीके से लेता, कहने माइनस एक्स और बट्टे में एक्स है, तो यहाँ कट के क्या बचता, माइनस वन बचता। अब यहाँ बट्टे में एक्स लेता तो ये कट के वन बचता, तो कहने का मतलब है माइनस वन और वन के बीच में जीरो भी तो इंक्लूड होता है हमारे पास, माइनस वन और वन के बीच में जीरो भी तो आता है, इसलिए इस फंक्शन को कन्वर्ट किस पे कर दिया, वन ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू लिया मैंने तो वन आया, तो पॉजिटिव वैल्यू पे ग्रेटर देन जीरो लेते हैं और नेगेटिव वैल्यू पे क्या आता है हमारे पास लेस देन, यहाँ पे वन
ग्रेटर देन जीरो, और जीरो पे जीरो यानी इक्वल टू जीरो बीच में आएगा, जीरो रखोगे तो जीरो आएगा, और लेस देन जीरो रखोगे तो माइनस वन। यानी कि इस फंक्शन को इस तरीके से लिख सकता है। बनाते कैसे, जैसे मान लो एफ एक्स ये उधर गया, यहाँ लेते हैं माइनस एक्स अपॉन में एक्स इफ एक्स लेस देन जीरो, ठीक है, और यहाँ पे जीरो एक्स इक्वल टू जीरो के लिए, और एक्स एक्स यहाँ उधर जाएगा एक्स ग्रेटर देन जीरो करना। अब यहाँ कट जाता तो बच्चों ये क्या बनता हमारे पास, ये बनता माइनस वन एक्स लेस देन जीरो, जीरो एक्स इक्वल टू जीरो, वन एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो इस तरीके का फंक्शन देखो यही तो हमारे पास है। तो इस तरीके का कोई भी फंक्शन क्या कहलाएगा, सिग्नम फंक्शन कहलाएगा। अब यहां बात करते हैं हमारे पास क्या है, डोमेन ऑफ आर के लिए। तो कहने का मतलब है यहां पे एक्स के कुछ भी वैल्यू रखो, अगर यहां दो रखते हैं एक्स के दो रखो, यहां भी दो रखते आता माइनस वन ही, अगर एक्स की जगह तीन रखते हैं तो यहाँ भी तीन रखना पड़ता आता माइनस वन ही, एक्स की जगह चार रखते हैं तो यहाँ भी चार रखना पड़ता तो आता माइनस वन ही। तो कहने का मतलब है एक्स के कुछ भी वैल्यू पुट करो रियल नंबर्स में, हर कंडीशन में क्या आएगा, वन और माइनस वन ही आएगा, और इनके बीच की वैल्यू क्या मिलेगी हमारे पास, एक्स इक्वल टू जीरो वन और माइनस वन के ऊपर लाई करेगा। और रेंज क्या मिलेगा इसका, रेंज कहने का मतलब एक्स के कुछ भी वैल्यू रखते हैं यहाँ पे तो हमारे पास वैल्यू आंसर क्या आएगा, माइनस वन जीरो वन के बीच में ही आना चाहिए। कुछ भी रखते देख लो, यहाँ पे दो रखोगे तो भी माइनस वन, चार रखोगे चार चार रखोगे तो भी वन। तो कहने का मतलब रेंज क्या आएगा, माइनस वन और जीरो वन के बीच में आएगा। दिस फंक्शन इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन। अब सिग्नम फंक्शन के लिए ग्राफ में ड्रॉ करूं, जैसे देखो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे, ये ओपन के लिए किया जाता है हमारे पास, यानी कि खुला है हमारे पास है, वन से ज्यादा वन से कम, ठीक है, यानी कि ओपन ब्रैकेट के लिए यूज किया जाता है ये वाला, क्लोज ब्रैकेट होता हमारे पास है तो ये इस तरीके से आता है। इस डार्क को क्या करते हैं, इसको हम इस तरीके से भर देते हैं कि खुला है, तो कहने का मतलब जैसे यहाँ पे माइनस वन और वन के लिए, और ये ऐसा होता तो माइनस वन वन के लिए, तो ये हमारे पास क्या, ये यूज किया जाता है, माइनस वन और वन को इंक्लूड इनके बीच के वैल्यू को दिया जाता है। इसलिए पॉजिटिव वन पर तो हमारे पास ये बन गया, इसके इधर बढ़ते चला जाएगा वैल्यू, ठीक है, और माइनस वन के लिए इसके इधर घटेगा नहीं। तो इस तरीके का फंक्शन क्या ये बनेगा हमारे पास, फंक्शन किसके लिए, ग्राफ, सिग्नम फंक्शन के लिए ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक और टॉपिक है, देखो बच्चों नेक्स्ट आपके पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, कोई फंक्शन दे रखा है द फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको बॉक्स बोलेंगे, मॉडुलस नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं, बॉक्स, ठीक है, और एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एक्स के कुछ भी वैल्यू रखो, आर का मतलब क्या है रियल नंबर्स में, वन टू थ्री फोर कुछ भी रखो, ठीक है, तो उस तरीके का फंक्शन है कि बॉक्स वाले जो भी फंक्शन होगा वो बनेगा क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन। कहने का मतलब है इसमें जैसे मैं चेक करता हूँ एक्स इज इक्वल टू कोई वैल्यू है ए ले लेता हूँ अपनी तरफ से, ठीक है, तो कहने का मतलब अगर ए में से समथिंग कुछ माइनस करता हूँ और ए में से समथिंग कुछ प्लस करता हूँ, ठीक है, तो मैं माइनस करूंगा तो ए से पहले जो वैल्यू होगी वो इंटीजर्स में उसको हम इंक्लूड करेंगे, और जो हम क्या ए में प्लस करते हैं समथिंग तो इसके बाद ए के बाद जो वैल्यू आएगी उसको हम उसमें इंक्लूड करेंगे, वो होगा हमारे पास क्या, मॉडुलस, सॉरी क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बॉक्स के लिए। अब देखो ध्यान से कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे एक्स के जगह मैंने थ्री ले लिया, तो अगर मैं यहाँ पे एक्स में से एच घटाता हूँ, समथिंग समथिंग का मतलब 0.1 कुछ वैल्यू घटा दिया, तो कहने का मतलब ये आ जाएगा 2.9 आ जाएगा, ठीक है, अब 2.9 से पहले जो इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो आता आपके पास क्या, 2, ठीक है, और इसी प्रकार से मैं ये लेता 3 + 0.1 3 में कुछ हमने ऐड कर दिया, ठीक है, तो हम क्या बनता है 3.1 ये मिलता, तो 3.1 के बाद जो हमारे पास इंटीजर्स बनेगा वो क्या बनेगा, 4, तो हम उसको इंक्लूड करते हैं। कहने का मतलब है देखो जैसे मैंने क्या किया 3 - 0.1, तो 3 में से कुछ कम किया ना, तो 3 में से देखो माइनस करा, इसमें से क्या पॉजिटिव वैल्यू थी हमारे पास, ठीक है, अब पॉजिटिव में से मैंने क्या किया
कुछ कम किया, तो कम किया तो क्या आ गया हमारे पास है 2.9, बट 2.9 से पहले इंटीजर क्या हमारे पास है 2, इसलिए हमारे पास 3 बन जाकर क्या ये 2 की तरफ ये इधर की तरफ आ जाएगा 2 के लिए, ठीक है। ऐसी हमारे पास वैल्यू यहाँ पर 2 लेता हूँ नेगेटिव के लिए, अगली कंडीशन लेता 4 के लिए, यहाँ बना लेता 4 मैंने बनाया नहीं है, यहाँ इससे कम यानी कि 4 से कम यानी कि इधर की तरफ चलते वैल्यू हमारे पास है, 3 के लिए तो 3 से कम इधर की तरफ चलते वैल्यू इसमें कम वाले में, जब 8 किया तो इधर की तरफ चलना वैल्यू हमारे पास उल्टा, ठीक है। तो इस तरीके का फंक्शन क्या कहलाएगा हमारे पास, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन, इसके ग्राफ इस तरीके से जाता है। ये हमारे पास क्या होता है ओपन ब्रैकेट के लिए, इसका मतलब होता है जो हमारे पास वैल्यू दी होती है ना 3 लिया था तो 3 को छोड़ देना है, 3 से कम या 3 से ज्यादा के लिए जाना है। जैसे मैंने 3 लिया तो 3 से कम इधर हो सकता है 3 से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव के लिए ऐसे नेगेटिव दिया हुआ है तो जैसे ये वैल्यू नेगेटिव आता तो नेगेटिव के लिए चलते हैं, पॉजिटिव आता तो पॉजिटिव के लिए चलते हैं, क्लियर। कहने का मतलब जो वैल्यू दिया होता है ठीक है उससे कम या उससे ज्यादा ग्रेटेस्ट इंटीजर्स रहना। कहने का मतलब ये देखो ये लिखा था 3 में से 0.1 लेस किया तो 2.9 और 2.1 हमारे पास 2.9 कोई इंटीजर्स नहीं होता है तो इससे कम इंटीजर्स क्या बनेगा हमारे पास है 2, इससे ज्यादा तो ले नहीं सकते क्योंकि उससे कम करना है हमारे पास है इसलिए 2, ठीक है। अब 2 वाले के लिए देखो ये लिया मैंने ऐसे तो इसके इधर वैल्यू आ सकते हैं यानी कि ये ले सकता हूँ इससे कम 2 की तरफ आते रहेगी जितने वैल्यू कम होते जाएंगे, ठीक है। और ऐसे प्लस करते हैं तो ज्यादा के लिए हमारे पास, क्लियर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, नोट कर लो इसे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।